और मेरे चटरों, क्या खबर है? आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 लस्सी की रेसिपी। इसमें कोई है खट्टी, कोई मीठी, कोई फ्रूटी, कोई नट्टी, कोई है एकदम ताज़ा, और कोई आपको पीने के बाद एकदम ठंडा कर दे ऐसा वाला टेस्ट मिलेगा। सब अलग अलग है और आप देख ही सकते हो कितनी रंगीन है। तो चलो बनाते हैं घर में लस्सी अलग अलग फ्लेवर में। तो भाई लोग, लस्सी का बेस बनाते हैं। ये मैं एक बोल में दही डाल रहा हूँ। दही की क्वांटिटी मैंने ये 3 कप ली है, मतलब 1.5 लीटर या 750 ml के आसपास दूध की बनी हुई दही है। इसी के साथ में पानी डलेगा। पानी मैंने ये 2 कप लिया है, 1/2 लीटर। अब बस इन दोनों को बिलोना है अच्छी तरह। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए यार, इसको आप मिक्सी में बिल्कुल मत बनाइएगा। सारा जो दही का टेक्सचर होता है ना, सारा ख़राब हो जाता है और दूध दूध जैसा हो जाता है दही। तो हाथ से या फिर विस्क से ऐसे इसको मथिए। अपन को दही को पीसना नहीं है ना, चर्न करना है। तो उसी वजह से बस ऐसे बिलोइए। बिलोने के बाद हम लोग इसमें चीनी डालेंगे। इसमें मैं 1/3 कप के आसपास चीनी डाल रहा हूँ। दही के खट्टेपन के हिसाब से आप 1/4 कप या फिर 1/2 कप भी ले सकते हो। चलो अब चीनी डाल दी ना, अब वापस इसको फेंटना है अच्छी तरह, मतलब बिलोना है ऐसे ही। जब ये अच्छी तरह फिट जाता है तो ऊपर इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, फ्रॉदीनेस आने लग गई ना अपनी लस्सी में। चलो अब ये रेडी है। अभी थोड़ी पतली भी लग रही होगी, लेकिन हम लोग इसमें ये फ्लेवर वगैरह डालेंगे ना, तो प्यूरी वगैरह डालेंगे, तो उस वजह से इसमें थिकनेस आ जाती है। अब बस इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। चीनी भी घुल जाएगी एक बार के लिए। इसको साइड में रखते हैं और अपनी पहली लस्सी बनाने के लिए, मतलब केसर पिस्ता लस्सी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। 2 से 3 गिलास बनेंगे। मैंने ये तड़का पैन गर्म करके इसमें 2 बड़े चम्मच दूध डाला है। इसको हम लोग अच्छी तरह गरम करेंगे, सिमर करना है, फिर गैस बंद करके थोड़े बहुत केसर डालकर एक बार मिक्स करेंगे। गैस बंद है दोस्तों, गैस बंद करने के बाद ही केसर डालकर मिक्स करना है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, एक मिक्सी के जार में डाल रहा हूँ। ये 15-16 पिस्ते हैं, उबाल कर छील कर डाले हैं। इसके साथ में हम लोग ये केसर वाला दूध डाल देंगे और एक बार इसको मिक्सी में चलाना है। पेस्ट नहीं बनाना है हम लोग को, पिस्ता का दरदरा रखना है ताकि लस्सी में वो बाइट आए पिस्ता की। एकदम सही बना है दोस्तों, मतलब दरदरा है, आप देख सकते हो। पूरा नहीं पीसा है अपन ने। अपना लस्सी का बेस भी पूरा चिल्ड और रेडी है। अब ये ग्लास में मैं 1 कड़छी अपनी लस्सी का बेस डाल रहा हूँ। इसके साथ में अपना फ्लेवर डलेगा, मतलब केसर पिस्ता, 1.5-2 चम्मच के आसपास डाला है। अब बस दोनों को अच्छी तरह फेंटना है। तो मैं चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ और अब बस इसमें टॉप अप कर देंगे अपनी लस्सी बेस और एक बार वापस से मिक्स करेंगे। अपनी ये केसर पिस्ता लस्सी रेडी हो जाएगी, एकदम मस्त बनती है यार। इसमें दोनों का आपको क्रस्ट बाइट्स मिलेगा, दिख भी रहा है ना जगह जगह, मज़ा आ जाता है पीकर। और इसमें बस सजाने के लिए मैंने टॉपिंग करी है थोड़े से पिस्ता की और ये रेडी है। चलो केसर पिस्ता लस्सी तो बन गई, अब दूसरी वाली बनाते हैं जो आप ट्राई करोगे तो दीवाने हो जाओगे। ये मैंने एक मीठा पान लिया है, इसमें पेपरमिंट बहुत कम है और गुलकंद थोड़ा ज़्यादा डलवाया है और सुपारी नहीं है, मतलब बच्चों वाला पान है एक तरीके से। एक मिक्सी में मैं ये पान डाल रहा हूँ, इसी के साथ में पानी, और इन दोनों को एक बार मिक्सी में चलाना है। वाह क्या कलर आया है। चलो अपना पान का पेस्ट रेडी है, अब एक बोल में निकाल लेता हूँ। इससे भी 2 से 3 लस्सी बन जाती है। अपने ग्लास में हम लोग 1 कड़छी लस्सी का बेस डालेंगे, इसके साथ में अपना फ्लेवर, दोनों को अच्छी तरह फेंटना है। पूरे किचन में पान की खुशबू आने लग गई है। अपना ये लस्सी रेडी है, बस ऊपर इसमें टॉप अप करेंगे अपनी लस्सी बेस से, एक बार वापस से मिक्स करना है। और इसको सजाने के लिए मैंने ये मलाई ली है जो दही में आती है ना, इसी के साथ में टूटी फ्रूटी और थोड़े बहुत नट्स। बनाए ना मस्त। चलो अब कुछ फ्रूटी बनाते हैं। आम आने लग गए हैं तो मैंगो लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक आम लिया है, सिर्फ आधा ही यूज़ करेंगे। थोड़ा सा को मैं ये छोटा छोटा बारीक कट कर रहा हूँ सजाने के लिए। वैसे आधा आम से ही 2 से 3 लस्सी बन जाती है। और बाकी का आम मैंने बड़ा बड़ा काट कर एक मिक्सी के जार में डाला है। इसके साथ में थोड़ा सा पानी और इसका एक प्यूरी बना लेंगे। आम की प्यूरी काफ़ी थिक बनती है ना, इसी वजह से आधा आम से 2 से 3 लस्सी आराम से बन जाती है। चलो अब ये प्यूरी भी बन गई, वही अपना प्रोसेस है। 1 कड़छी भरकर लस्सी का बेस ले लेंगे ग्लास में। इसमें फिर हम लोग डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच अपना फ्लेवर और फिर दोनों को अच्छी तरह फेंटना है चम्मच से। फेंटने के बाद आप देख सकते हो यार क्या कलर आया है। अब बस इसमें टॉप अप करेंगे अपनी लस्सी बेस और वापस से मिक्स करेंगे।
ये एक बार के लिए तो हो गया, अब इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने थोड़े से मैंगो के पीसेस भी डाले हैं, और आप देख सकते हो क्या थिकनेस आई है, अपने मैंगो डूब नहीं रहे ना, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अपनी मैंगो लस्सी भी रेडी है, चलो अब इसमें सजाने के लिए वो दही वाली मलाई डालते हैं और साथ में थोड़े से मैंगो के पीसेस और पिस्ता। मस्त लग रहा है ना, मैंगो के पीसेस के साथ एकदम ज़बरदस्त लस्सी बनती है ये, आप ट्राई ज़रूर से करना दोस्तों। नेक्स्ट बनाते हैं चॉकलेट वाली, लेकिन वो कोको पाउडर मिक्स करने वाली नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, असली चॉकलेट वाला टेस्ट मिलेगा। ये मैंने एक डेयरी मिल्क ओपन करी है, इससे 2 से 3 ग्लास बन जाएंगे लस्सी के। गैस ऑन कर कर एक पैन गरम करते हैं 2 बड़े चम्मच दूध के साथ, उसी के साथ में मैंने ये 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क लिया है। ये मिल्क में डालने से एकदम फजी वाला टेस्ट आता है। इसमें हम लोग साथ में चॉकलेट डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम में इन सभी को स्टर करना है, लगातार चलाएंगे वरना चॉकलेट जो है ना वो ओवरहीट होकर सीज होने लगती है। चलो ये एक बार के लिए मेल्ट होने लग गई तो मैंने गैस को बंद कर दिया, इसको 1-2 मिनट लगातार वापस चलाना है, ओवरहीट नहीं होनी चाहिए, और फिर बस 5 से 6 मिनट इसको ठंडा करना है। इसका फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़िया और बाइट वाला बनाने के लिए यहाँ पर अभी मैं इसमें कोकोनट ग्रेट कर रहा हूँ। वो चॉकलेट आती है ना बाउंटी वाली, कोकोनट और चॉकलेट वाली, वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। ये मैंने ड्राई कोकोनट को ग्रेट किया है और बस मिक्स कर दिया, ये अपना चॉकलेट का फ्लेवर भी रेडी है और पूरा ठंडा हो गया है। तो चलो अब लस्सी बनाते हैं, आपको तो ड्रिल पता ही है, अब अपना प्रोसेस वही है। एक ग्लास में 1 करछी लस्सी का बेस लेंगे, फिर अपना चॉकलेट कोकोनट का फ्लेवर, इन दोनों को अच्छी तरह फेंटना है। अपन ने इसमें रियल चॉकलेट यूज़ करी है ना, तो कुछ कुछ जगह वो सेट हो रही है, आप देख सकते हो फ्लेक्स दिख रहे हैं ना, तो बाइट्स भी आपको मिलेगी इसमें। चलो ये तो मिक्स हो गया, अब बस इसमें टॉप अप कर देंगे अपनी लस्सी बेस के साथ और वापस से इसको मिक्स करना है। अपनी ये चॉकलेट कोकोनट लस्सी रेडी है, बस सजाने के लिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट वाली कन्फेटी ली है, थोड़े बहुत कोकोनट और नट्स। तो कैसी लगी दोस्तों अपनी चॉकलेट और कोकोनट फ्लेवर की लस्सी? नेक्स्ट वाली बनाते एकदम सुपर रिफ्रेशिंग, आमपन्ना होता है ना वो ही फ्लेवर की। इजी है यार, मैंने ये मिक्सी के जार में डाला है कैरी, ये आधी कैरी थी, मतलब पूरी नहीं थी, इससे 3 से 4 ग्लास बन जाते हैं। बस कैरी को उबाल कर छील कर काट कर इसमें डाला है, इसी के साथ में 10 से 12 पुदीना के पत्ते, 1 हरी मिर्च और 1/2 चम्मच मैं इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल रहा हूँ, वो चटकारे वाला फ्लेवर के लिए 1 चम्मच काला नमक। बस सब कुछ हो गया, थोड़ा सा पानी भी डाल रहा हूँ और इसका वही बेस बना लेंगे। तो अपना ये अच्छी तरह पीस कर आम पन्ना का बेस बन गया है। अब अपना लस्सी का बेस में आम पन्ना का बेस को मिलाते हैं। तो दोनों को मिलाने के लिए मैंने वही 1 ग्लास में 1 करछी दही लिया है, मतलब लस्सी का बेस लिया है। आम पन्ना का बेस डाल देंगे 2 चम्मच के आसपास और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। चलो ये तो फिट गया, अब टॉप अप करते हैं और अपनी लस्सी बन जाएगी। फिर दिखने में एकदम प्लेन लगती है दोस्तों, लेकिन ट्राई करना यार, झटका लग जाएगा आपको ताजगी का, इतना रिफ्रेशिंग बनता है ये। चलो आम पन्ना की लस्सी से मैंने आपको झटका तो दिखा दिया, अब आपको कूलिंग इफेक्ट वाली रेसिपी दिखाता हूँ, मतलब एकदम मामला ठंडा करने वाली। ये अपनी टेंडर कोकोनट लस्सी, ये डाब की मलाई मैं निकाल रहा हूँ, 1 डाब से 2 से 3 ग्लास लस्सी बन जाती है। मिक्सी में अपन ये मलाई डाल देंगे, साथ में ये पानी, डाब वाला ही पानी मैंने डाला है, बस इतना कि ये पिस जाए, और ब्लेंड भी ज़्यादा नहीं करना है, दरदरा या कोर्स रखना है ताकि बाइट्स मिले हम लोग को मलाई की। चलो ये अपना पेस्ट बन गया, प्रोसेस वही है, 1 ग्लास में हम लोग 1 करछी लस्सी लेंगे, इसके साथ में अपना फ्लेवर, दोनों को अच्छी तरह फेंटना है, फिर बाकी की लस्सी डालकर वापस मिक्स करेंगे। चलो ये अपनी टेंडर कोकोनट लस्सी भी रेडी हो गई है, अब बस इसको सजा देंगे। तो सजाने के लिए मैंने ये डाब की मलाई ली है काट कर, और थोड़ी सी मैंने ये चिली पाउडर ली है, पीली मिर्च का पाउडर है, इतना कूलिंग होता है ये, थोड़ा सा तो झटका लगना चाहिए ना तीखापन का। आपकी मर्ज़ी, अगर आप कोई और चीज़ से सजाना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? मेरी वाली तो फेवरेट 2-3 है, इसमें से एक नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई ज़रूर से बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।